राधे राधे। आपको नवरात्रों का चौथा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आई होप आप सबके नवरात्रे बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो गाइज चलो शुरू करते हैं हम आज की कथा। आज की कथा है चौथे दिन की, जो है माता कुष्मांडा की। कुष्मांडा माता का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा? आपको पता है ये माता वेदों पुराणों और उपनिषदों में भी पढ़ी जाती हैं। इनका गुणगान है। कुष्मांडा माता का गुणगान क्यों है? कहते हैं ना, जब एक स्त्री गर्भ से होती है तो वो सर्व संपूर्ण होती है। ये माता, ये इसी वजह से उनका नाम है क्योंकि वो इस वक्त, उन्होंने गर्भ धारण किया था, माता कार्तिकेय उनके पेट में थे और वो गर्भ से थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड की रचना करने की वजह से उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को जीवनदायिनी माता, जिन्होंने संसार की रचना की, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। तो हम उनकी पूजा करते हैं और आई होप आप सब पूरे मन और सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। ये प्रसन्न होती हैं तो सारे कार्य, सारे काम आपके बनते चले जाते हैं। नवरात्रों का चौथा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पांचवें दिन की कथा सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।